और कह रहा ना मुख्यमंत्री हरा दिया, उप मुख्यमंत्री हरा दिया, और जहां कह रहा ना मेरे मरोड़ दिखा रहे थे वहां मरोड़ काट दी। इससे ज्यादा क्या करेंगे? और मुकाबला कर लियो 2019 में वो भीम शैली इनके आगे खड़ी है पूरे जज्बे के साथ, और उसके साथ में ये बहुजन समाज, पूरा बहुजन समाज निकल के खड़ा है। साथियों जब संविधान था, कुछ हमारे लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं और बनते हैं बहुजनों को मसीहा, अपने आप को कहते हैं मूल निवासी, नाम लूंगा सैकड़ों है। 15 लाख ईवीएम तोड़ने का वादा किया था इलेक्शनों में, 15 लाख ईवीएम तोड़ेंगे। अरे बाबा साहब का संविधान दिल्ली में चल गया, 15 लोग निकल के नहीं आए, वो 15 लाख ईवीएम तोड़ सकते हैं? क्यों बहुजनों को गुमराह करते हैं? अगर आप बहुजन समाज का वोट ऐसे ही बटवाते रहेंगे, और आप ये भी क्लियर कर, मेरी बात हुई थी वो जो बेशरम है, बेशरम कहते हो अमन मिश्रा को, 27 मार्च को गुड़गांव आया था, मैंने उनको बोला मगो मेशराम साहब 2 अप्रैल में आपका क्या विचार है? सीधा कहा तवर साहब 2 अप्रैल में हमारी संस्था कोई भी भारत बंद नहीं करेगी, 4 अप्रैल का हमारा सिस्टम है, 4 अप्रैल को करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की पूरा समाज सड़कों पे 2 अप्रैल को आ रहा है तो आप 4 अप्रैल क्यों? वो बोला नहीं हमारे कार्यकर्ता 15 लाख है, 4 अप्रैल को दिखा देंगे इनको अपनी ताकत। साथियों सोच सकते हैं 2 अप्रैल को क्या हुआ था और 4 अप्रैल को क्या हुआ? कहां गरीब की ताकत? साथियों एकमात्र बहन जी उसकी तरफ देखो, सोचो समझो परखो, इसके अलावा बहुजनों का कोई मसीहा नहीं है, ये एक जिंदा देवी है। महापुरुष आए चले गए, पर इस जिंदा देवी को उस संसद तक पहुंचाना है जहां बाबा साहब की उंगली का इशारा था। बाबा साहब ने उंगली का इशारा संसद की तरफ ऐसे ही नहीं किया, उन्होंने देखा और कहा था 21वीं सदी बहुजनों की है, तो 21वीं सदी चल रही है। साथियों ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी को पुणे से क्रांतिकारी जय भीम।